जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों फाइनली Realme Y 3.0 जो है वो रिलीज हो चुकी है इंडिया के लिए, डिवाइस लिस्ट पे आ गई है और बहुत से सर्कुलेट हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फेक लिस्ट है या फिर ओरिजिनल और सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी Realme Y 3.0 के रिगार्डिंग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन जो आप देख सकते हो फ्लूइड स्पेस डिजाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो Realme Y 2.0 से Realme Y 3.0 का जो है कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे जो आइकॉन के डिज़ाइन है थोड़े बहुत यहाँ पे आपको चेंजेस वैसे मिलेंगे, वैसे कुछ ज़्यादा यहाँ पे आइकॉन का डिज़ाइन चेंजेस नहीं है। पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक नया फीचर आपको सिलोट का मिल जाएगा, जिसमें आप अपने AOD जो है सिलोट के रूप में यूज़ कर सकते हो। ओप्पो के डिवाइस में भी ये फीचर पहले ही था एंड अब रियलमी के डिवाइस में भी AOD के ऑप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और भी जो AI स्मूथ इंजन का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपकी बैटरी पावर परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद। प्राइवेसी सेक्शंस एंड बहुत सारे सेक्शंस में यहाँ पे काम किया गया है। 3D आइकॉन डिज़ाइन आपको मिलता है, ओमोजी वाला फीचर भी आ जाएगा जो कि ओप्पो के मोबाइल में आपको मिलता है। स्पेशल लेआउट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा या ये स्मूथ इंजन का यूज़ यहाँ पे किया गया है एंड फ़ोन मैनेजर जो है 2.0 का यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब भी नया फ़ोन मैनेजर आता है मैं आपको जरूर से बताऊंगा। अब दोस्तों रोड मैप के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रोड मैप सर्कुलेट हो रहा है ये ऑफिशियल ओरिजिनल रोड मैप है एंड अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। Realme GT को सबसे पहले यहाँ पे अपडेट मिल रहा है एंड दिसंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस लिस्ट आपको दिख रही होगी, GT मास्टर एडिशन, GT न्यू 2 एंड Realme X7 मैक्स, Realme 8 प्रो एंड यहाँ पे अदर आप देख सकते हो Q1 Q2 की लिस्ट भी आपके सामने है। पर दोस्तों सैडली इसमें बहुत ऐसी डिवाइस है जैसे कि Realme X7 मैक्स देख लो, अच्छी डिवाइस थी बट उसे Q2 में अपडेट मिलने वाला है यानी कि अप्रैल 2022 के बाद से। एंड बहुत सी ऐसी डिवाइस है जैसे कि Realme 6 को आप देख सकते हो, 6 सीरीज़ को सारी की सारी यहाँ पे गायब कर दिया गया है। अब यहाँ पे इन ओल्ड डिवाइसेस को अपडेट मिलेगा या नहीं है, नार्जो की बहुत सी डिवाइस को यहाँ से गायब कर दिया गया है। बट यहाँ पे दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जूम करके मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा है ये फर्स्ट वेव है एंड इसके बाद में भी हो सकता है, जैसे पहले Realme UI 2.0 का एक और लिस्ट आई थी इसकी भी लिस्ट आ सकती है। तो ये सारी लिस्ट है दोस्तों फिलहाल के लिए जो कि Realme UI 3.0 के अपडेट के लिए ही एलिजिबल है। दोस्तों अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें एंड ओप्पो और रियलमी से रिलेटेड सिस्टम ऐप अपडेट के लिए सबसे पहले ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप ग्लोबल ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सिस्टम ऐप के अपडेट मिलते रहें। तो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्मेशन चाहता था कि ये ऑफिशियल लिस्ट है कि नहीं, ये ऑफिशियल लिस्ट ही है दोस्तों, मे बी और भी एक लिस्ट इसके बाद से आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।